आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर रजवाड़ा की जानकारी। रजवाड़ा महल इंदौर पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। रजवाड़ा होकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था और आज तक यह महल पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण रहता है। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों व वास्तु शैलियों का मिश्रण है। यह इमारत शहर के बीचों बीच शान से खड़ी है, जो 7 मंजिला इमारत है। इस महल का प्रवेश बेहद सुंदर व भव्य है। एक महान तोरण महल के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। लकड़ी और लोहे से निर्मित राजसी संरचना से बना महल का प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले हर पर्यटक का स्वागत करता है। यह पूरा महल लकड़ी और पत्थर से निर्मित है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बालकनी और गलियारे होकर शासकों और उनकी भव्यता का प्रमाण है। इंदौर आने वाले हर पर्यटक को रजवाड़ा अवश्य आना चाहिए। इंदौर में बना ये राजवाड़ा यहाँ की शान कहलाता है। इसके बनने से लेकर कई खास बातें हैं। कई बार टूटा लेकिन फिर से खड़े हुए इंदौर के इस राजवाड़े के बारे में 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए दंगों में इसे जला दिया था। पुरातत्व विभाग संग्रहालय के अध्यक्ष प्रकाश परांजपे के अनुसार राजवाड़ा के निर्माण और इतिहास से जुड़े मल्हार राव होलकर को 3 अक्टूबर 1730 को मराठों ने उत्तर भारत के सैनिक अभियानों का नेतृत्व दिया। सैनिक अभियानों की व्यस्तता के कारण उन्होंने स्थायी निवास के लिए खासगी जागीर देने के लिए छत्रपति शाहू से निवेदन किया। पेशवा बाजीराव ने ईस्वी सन 1734 में मल्हार राव की पत्नी गौतमाबाई होलकर के नाम खासगी जागीर तैयार करवाई, जिसमें इंदौर भी था। ईस्वी सन 1747 में भव्य राजप्रसाद के निर्माण शुरू किए गए, जो राजवाड़ा कहलाया। यह बन भी न पाया था कि ईस्वी सन 1761 में अब्दाली के हाथों हुई पराजय को मल्हार राव सह न सके और ईस्वी सन 1765 में नहीं रहे। उत्तराधिकारी मल्हार राव की पुत्रवधु अहिल्याबाई को मिला। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई। खाटके ने जलाकर किया नष्ट। पहले अहिल्याबाई का 1795 में और 1799 में टुकड़ोजी राव की मृत्यु के पश्चात होलकर के गृह युद्ध में यशवंत राव ने सफलता प्राप्त की और अपनी राजधानी भानपुरा बनाई। सिंधिया सेनापति सरजे राव घाटगे ने इंदौर पर हमला किया। महानुभाव पंथ के मंदिर की वजह से घाटगे ने दक्षिण भाग को छोड़कर राजवाड़ा जलाकर नष्ट कर दिया। फिलहाल क्या है स्थिति? वर्तमान में अवशिष्ट गणेश हाल, जो वस्तुतः होलकरों का दरबार हाल है, वह फ्रेंच क्लासिक शैली से निर्मित है। इस भवन में पूर्वी भाग को छोड़कर शेष भाग में 3 मंजिले थी, जिसमें कई कक्ष थे। कई कक्षों में सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए थे, जो कक्षम नाथ द्वार, कोटा, बूंदी एवं मालवा शैली के संयोजन में निर्मित थे। फिलहाल राजवाड़ा को संग्रहालय का रूप दिया गया है, जहां पुरातत्व से जुड़ी बहुत सी चीजें संभाल कर रखी गई है। पर्यटक यहाँ दूर दूर से वो चीजें देखने के लिए आते। आइए देखते हैं उन चीजों की एक झलक।
तो इंदौर राजवाड़ा की जानकारी में इतना ही। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़। धन्यवाद।